हाय फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये वीवो का Y20 मोबाइल है जिसका डिस्प्ले टूट गया है। इसका डिस्प्ले को कैसे रिप्लेस करना है और इसके बैक पैनल को कैसे खोलना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, डिस्प्ले टूटा हुआ है, इसको चेंज करना है। इसका बैक पैनल को कैसे खोलेंगे तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कैसे खोला जाता है। सबसे पहले ब्लोअर से बैक पैनल की साइड को हीट करेंगे, बहुत ही हल्का हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करना है क्योंकि यह पैनल जो है फाइबर का बना हुआ है। ज़्यादा ज़ोर से हीट करेंगे तो यह ये पिघल भी सकता है या ख़राब भी हो सकता है। तो हल्का हल्का हीट कर लिए, अब क्या करेंगे, इसे धीरे हल्का सा कोना उठाएंगे और प्लास्टिक का पेपर इसमें फंसा के इसे चारों तरफ धीरे धीरे घुमाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अंदर में डिस्प्ले के भी पत्ते होते हैं और फिंगरप्रिंट्स के भी पत्ते होते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसीलिए ध्यान से आपको काम करना होगा और एकदम साइड स्लिप करना होगा क्योंकि इसमें पेस्टिंग जो होती है एकदम साइड में ही होती है, बीच में पेस्टिंग कहीं कहीं होती है, सब जगह नहीं होती है। ये अब खुल चुका है, इसे मैंने पहले भी खोल चुका था इसलिए बहुत ईजी तरीके से खुल गया है। आपको थोड़ा समय लग सकता है बट खुल जाएगा ये। तो देखिए, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले को कैसे निकालना, डिस्प्ले को ही मैंने पहले खोल चुका हूँ इसलिए ये आसानी से खुल जाएगा। इसको भी हल्का सा आगे से कोना कोना हीट करके इस तरह से ओपन कर देंगे। डिस्प्ले ख़राब है तो यहीं पर इसके पत्ते को कट कर देंगे, कैंची से कट कर दिया मैंने, डिस्प्ले अलग हो गया। ऐसे जितने भी पेस्ट लगे हैं उसको बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। चलिए, अब आगे क्या करेंगे, बैक पैनल पे जितने भी स्क्रूब लगे हुए हैं उसको ओपन कर लेंगे अच्छी तरह से। इसी वजह कोई गड़बड़ी नहीं है क्योंकि स्क्रूब बहुत ज़्यादा होते हैं और मैंने बहुत सारे स्क्रूब पहले से ही खोल रखे हैं और इसके बीच में एक फिंगर प्रिंट्स के भी पेन लगे हुए हैं, उसको खोल कर उसको भी मैं खोलूँगा। देखिए, फिंगर प्रिंट्स के पेन है, उस पर भी एक नट लगे हुए हैं, उसको भी मैंने खोल लिया। उसको आसानी से आराम से खोलेंगे। और देखिए, फिंगर प्रिंट के पत्ते हैं, उसको मैंने खोल रहा हूँ, आराम से खोलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खुल गया, अब क्या करेंगे, अब जाके बैक पैनल को ओपन करेंगे। ठीक है, हम आराम से धीरे धीरे हल्का हल्का उसे खोलेंगे। यहाँ से इस बॉडी में स्क्रैच नहीं लगना चाहिए, फिंगर प्रिंट्स वाला है बटन है तो उसको भी बचा के काम करेंगे ताकि फिंगर प्रिंट्स के जो पत्ते हैं वो कट ना हो, नहीं तो आपका फिंगर प्रिंट्स काम करना बंद कर देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत। देखिए, यहाँ पर पिन लगा हुआ है, सिम स्लॉट लगा हुआ है, उसको खोल दिया मैंने पिन से। बहुत सारे मैकेनिक क्या करते हैं कि हड़बड़ी में खोलते हैं और फिंगर प्रिंट्स के पत्ते को हड़बड़ा के खोलने से उसका पत्ता जो है कट हो जाता है तो फिंगर प्रिंट्स काम नहीं करता। देखिए, मैंने फिंगर प्रिंट पहले से खुला हुआ था, मुझे देख पा रहे हैं उसका पत्ता खोलिए। मैंने अब ऊपर का कैन को ओपन करेंगे, उसमें और स्क्रूप लगे हुए हैं तो उसको भी मैं ओपन निकाल देता हूँ। इसे भी मैं खोल लिया, इसको हटा दिए और बैटरी कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर को ओपन कर देंगे। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर को ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बैटरी रिमूव करना है। तो बैटरी रिमूव करने के लिए सबसे पहले ग्रीन कलर का स्टिकर को ऊपर उठाएंगे, पड़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर जो सेकेंड नंबर में स्टिकर उसको हटाएँगे और धीरे धीरे आराम से उसे पड़ेंगे। ये उखड़ गया है, अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, जैसे प्लेन जगह पर रख के थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये सपाट हो जाए, फिर से बराबर हो जाए। अब आगे क्या करेंगे, इसके बचे हुए कनेक्टर जो जैसे मैंने डिस्प्ले में कैंची से कटिंग कर दिया था तो इसके बचे हुए कनेक्टर को भी मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अच्छी तरह से इसे खोल लेंगे, इसको बढ़िया से चिपका देंगे ताकि जब आप ये उसे लगाओगे तो फिर से इसे ऐसे लगा देंगे। इस कनेक्टर को हटा दिए,
और जितनी भी डिस्प्ले आगे देखेंगे डिस्प्ले पे जितनी भी साइड साइड गोंद लगे हुए थे उसे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देता हूँ ताकि नया डिस्प्ले जब मैं पेस्ट करूँ तो किसी प्रकार का कोई भी कचरा बीच में ना आए, नहीं तो आपका डिस्प्ले ठीक से पेस्ट नहीं होगा और डिस्प्ले ख़राब भी हो सकता है। तो अच्छी तरह से इसे साफ़ करेंगे और ये डिस्प्ले लगाने के लिए तैयार।